अमेजन का जंगल, रहस्यों का जंगल। पृथ्वी पर मौजूद जंगलों में सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल है। ये जंगल सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे रहस्यमयी, डरावना और सबसे खतरनाक है। इस जंगल के रहस्यों और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अमेजन जंगल का अस्तित्व हम इंसानों से कहीं पुराना है। यह पिछले 5.5 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है। इस जंगल का क्षेत्रफल 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो दुनिया के 9 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में, 12% हिस्सा पेरू में तथा अन्य भाग इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, गुआइना, सूरीनेम तथा फ्रेंच गुआइना में फैला हुआ है। इस जंगल में 400 अरब से अधिक वृक्ष मौजूद हैं तथा अमेजन के जंगल में पौधों की 17,000 से अधिक विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जंगल इतना घना है कि इसके 90% सतह पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। अमेजन जंगल का पृथ्वी पर उपस्थित होना हमारे लिए एक प्राकृतिक वरदान है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद कुल ऑक्सीजन का 20% उत्पादन अमेजन के जंगल से होता है। इसीलिए इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के औषधि युक्त पौधे पाए जाते हैं। दुनिया में मौजूद कुल जीवों के 1/3 जीव आपको इस जंगल में देखने को मिल जाएंगे। इस जंगल में इतने जहरीले इंसेक्ट्स पाए जाते हैं कि जिनके एक डंक से इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस जंगल में पाए जाने वाले कुछ जहरीले जीवों के बारे में। यहाँ चींटियों की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। इसके काटने पर गोली लगने के समान दर्द होता है, जिससे इंसान को तेज बुखार हो सकता है। इस जंगल में जहरीले मेंढकों की 120 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देखने में तो काफ़ी रंग बिरंगे और आकर्षक लगते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक होते हैं। एक मेंढक में 10 इंसान तक को मारने की जहर होती है। स्थानीय लोग तथा टूरिस्ट इन मेंढकों को देखकर दूर भाग जाते हैं। इस जंगल में बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर दलदलीय और जलीय स्थानों पर रहते हैं। इनकी लंबाई 30 से 40 फीट तथा वजन 250 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अपने शिकार पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर करते हैं। एनाकोंडा विषैले तो नहीं होते, मगर अपने शिकार को इस तरह जकड़ लेते हैं कि शिकार की मृत्यु हो जाती है। इस जंगल के दलदलीय क्षेत्रों में जगुआर पाए जाते हैं, जो बिल्ली परिवार का तीसरा सबसे बड़ा सदस्य है। यह शेर और बाघ से भी अधिक ताकतवर होता है। इसके दांत तथा जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये मजबूत से मजबूत हड्डी को भी काट सकता है। अपने दांतों से ये कछुए के कवच को भी भेद सकता है। जगुआर दिन और रात दोनों में शिकार करने में सक्षम है। यह अपना शिकार जमीन पर, पानी में तथा पेड़ पर चढ़कर भी कर सकता है। अमेजन जंगल में उल्लू के समान दिखने वाले एक विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिन्हें हर्पी ईगल के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी गिद्ध से भी ज़्यादा ताकतवर होता है तथा यह दिखने में काफ़ी डरावना होता है। यह मध्यम आकार के जीवों का शिकार आसानी से कर लेता है। बंदर इसका पसंदीदा शिकार है। अमेजन के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस नदी के पानी का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि जो जीव जंतु इस नदी में जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अमेजन नदी इसी जंगल से होकर बहती है, जो कि एंडिस पर्वतमाला से निकलती है। इस नदी की लंबाई 6,400 किलोमीटर है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। अमेजन नदी कई जगहों पर 140 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ी है, जो देखने में किसी समुद्र की भांति प्रतीत होता है। दुनिया की सैकड़ों नदियाँ इस नदी में आकर मिलती हैं। इस नदी में मछलियों की 3,000 से अधिक प्रजातियाँ तथा विभिन्न प्रकार के जलीय जीव पाए जाते हैं। सूर्य की अधिक गर्मी तथा प्राकृतिक बिजली के गिरने से अमेजन के जंगल में हर साल हजारों बार आग लगती है, जिससे जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जलकर खाक हो जाते हैं। जंगल में लगने वाले आग तथा अवैध तरीके से वृक्षों की कटाई के कारण इस जंगल का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है।
इस जंगल में कुछ आदिवासी भी रहते हैं जिनकी अपनी अलग सभ्यता है तथा इनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनका रहन सहन, खान पान हम आम इंसानों से बिल्कुल अलग है। अमेजन के जंगल में अरबों पेड़ पौधे और करोड़ों जीव जंतु ही नहीं बल्कि हजारों रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ के बारे में ही हम इंसानों को पता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MG Edu Gyan को। धन्यवाद।